जाइए। अरे इस क्या हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सब ऐप में पिक्चर्स ऑप्शन चल रहा है क्या अपने? तो अपन यहाँ से पिक्चर ले लेते हैं। हमने आपको कहाँ तक बता दिए थे? ग्रुप तक। ठीक है, तो आप सभी को आ गया था ये इतना। नेक्स्ट है आपका रोटेट। रोटेट के ड्रॉप डाउन पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको रोटेट करनी होती है। तो आपको जिस भी टाइप में करनी हो आप यहाँ से ले सकते हैं रोटेट। यहाँ से तो आपको क्या मिलेगा, डायरेक्ट राइट में मिलेगा, लेफ्ट, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। लेकिन अगर आपको थोड़ी ही रोटेट करनी हो तो ये ऊपर साइन दिख रहे हैं आप, इस साइन पे माउस पॉइंटर लेके जाएंगे, माउस के क्लिक को दबा के रखेंगे। किस टाइप से रोटेट करनी है फिर वो आप यहाँ से इस टाइप से रोटेट कर सकते हैं। ठीक, तो आपको जैसे भी रखनी हो आप यहाँ से रख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है क्रॉप। क्रॉप के ड्रॉप डाउन पर आप क्लिक करते हैं तो कुछ ऑप्शन मिलते हैं यहाँ। फर्स्ट है आपका क्रॉप। क्रॉप पे आप क्लिक करते हैं तो ये इस टाइप के साइन आ जाते हैं, जो आप मोबाइल में कोई सी इमेज क्रॉप करते हैं उसी टाइप में। आपको जितनी भी सी इमेज को क्रॉप करना हो तो आप यहाँ से इसको क्रॉप कर सकते हैं इस टाइप। ठीक है, कीबोर्ड से एंटर की कर दें आप या फिर बाहर कहीं क्लिक कर दें तो आपकी इमेज क्रॉप हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन आपका इसमें रहता है क्रॉप टू सेव। अगर आपको सेव की स्टाइल में क्रॉप करनी है तो आपको जिस भी टाइप के सेव में क्रॉप करनी है उसको आप वो सेव सेलेक्ट करेंगे, इस टाइप में लेनी है तो आप देखेंगे इस टाइप से क्रॉप हो गई वो सेव के अंदर आएंगे। नेक्स्ट आपका रहता है इस पर क्लिक करेंगे, आपको किस टाइप में कितने परसेंट लेना है उसको देखिए, इस टाइप से करनी होगी छोटे में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको किस टाइप में लेना चाहते हैं, पोर्ट्रेट है ये लैंडस्केप है। अभी आपने पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ऑप्शन नहीं किया है। पोर्ट्रेट मीन्स होता है खड़ा, लैंडस्केप मीन्स होता है आड़ा। ठीक है, जैसे अगर आपको लैंडस्केप मिल जाए, अभी ये खड़े में आ रही है आपकी, ज्यादा लंबे में आ रही है, अगर आप ये लैंडस्केप करते हैं तो देखिए ये लैंडस्केप में आ जाएगी आपकी। ये ऑप्शन आपको मिलता है पेज लेआउट में, यहाँ पे ओरिएंटेशन में। पोर्ट्रेट करते हैं तो ये खड़ा पेज रहता है, लैंडस्केप करेंगे तो ये आड़े में आ जाएगा आपका। ये इमेज अगर आप इमेज का करना चाहते हैं, इमेज का आएगा, पेज का आप पेज लेआउट टैब में करेंगे, वो तो हम बता रहे थे किस टाइप का रहता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रहता है फिल। आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये फिल मतलब उसके अकॉर्डिंग पूरा फुल ले लेगा आपका फिल, और फिट में लेना है तो फिट में ले लेगा, जितना उसके अकॉर्डिंग उसको फिट लगेगा। ठीक है, तो आप देखिए आपने क्रॉप तो थोड़ी बड़ी की थी पर उससे आपने जो ऑप्शंस के यूज करते गए तो वो बहुत छोटी होती गई इमेज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिलता है सेप हाइट। आप इसके अप एरो पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी हाइट बढ़ती है, पर ये दोनों एक साथ कर रहा है आपका विड्थ और हाइट, लेकिन ये अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं तो अलग अलग ही ये अप्लाई होते हैं। इससे हाइट बढ़ती है और डाउन एरो से कम होती है, और इससे विड्थ बढ़ते हैं, तो आप देखते हैं दोनों एक साथ चेंज हो रहे हैं आपके, ये एक साथ। ठीक है, तो ये आपके पिक्चर्स वाले सारे ऑप्शंस कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं पूछना क्लोज कर दे। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर्स। तो आप पिक्चर्स में या ऑनलाइन पिक्चर्स में, दोनों में सेम बात होती है, मतलब सेम ऑप्शंस आते हैं आपके, तो आ जाएगा ऑनलाइन पिक्चर लेना भी आपको। नेक्स्ट है आपका सेव्स। सेव्स के ड्रॉप डाउन पर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ सेव स्टाइल मिलते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको और भी अलग टाइप्स मिलेंगे, तो आपको यहाँ से जिस भी टाइप का सेव लेना हो आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे सेलेक्ट करते हैं तो आपका माउस पॉइंटर प्लस के साइन में आ जाता है, आप उसको ड्रैग करेंगे। जैसे आप उसको ड्रैग करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे सेव आ गया है। ठीक है, अपन दोबारा लेते हैं इसे, नीचे लेते हैं, तो इस टाइप से आपका यहाँ पे सेव आ जाएगा। जब आप यहाँ पे सेव लेते हैं तो ये फॉर्मेट टूल आ जाता है आपका। जैसे भी आपने पिक्चर का ऑप्शन का यूज किया था, पिक्चर में भी आया था, तो वैसा ही आपका यहाँ पे ये सेव में आ जाता है।
बाकी ये पोजीशन वाले ऑप्शन से लेके यहाँ तक के आपने सभी शून्य किए हुए हैं, कल ही किए थे, बस स्टार्टिंग के थोड़े चेंज हैं। तो आप यहाँ पे करते हैं सेफ, सेफ्स के ड्रॉप डाउनर पर आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको और भी ऐड करना हो सेफ, तो आपको जिस भी टाइप का ऐड करना है आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक। और आपको जहां कहीं भी लेना है आप उसे ड्रैग कर दें तो आ जाएगा आपका सेफ, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट रहता है आपका इसमें चेंज, इसके ड्रॉप डाउन एडिट सेफ, इसके ड्रॉप डाउन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है चेंज सेव, जैसे आपने पिक्चर चेंज की थी उसी टाइप से आप यहाँ पे सेव चेंज कर सकते हैं, फिर आपको जिस भी टाइप का यहाँ पे सेव लेना हो आप ले लें तो उस टाइप का आपका चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट रहता है आपका एडिट पॉइंट्स, आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो सेव आपका सेलेक्ट रहता है उसमें आपके एडिट टाइप के पॉइंट्स आ जाते हैं, इस सेव को फिर आप जैसा चाहे वैसा करना चाहते हैं तो वैसा कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन इन पॉइंट्स पर ही माउस पॉइंटर लेके जाना है, आप कहीं और नहीं रख करेंगे, अगर आप कहीं और कर देते हैं ना तो वो वैसा ही आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रहता है आपका ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, इस पर आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स कर सकते हैं, इसमें आप टेक्स्ट के लिए यूज होता है, बट इसका यूज आप नॉर्मली भी कर सकते हैं टेक्स्ट के लिए, या फिर जब आप यहाँ पे फॉर्मेट में ये क्रिएट लिंक का यूज करते हैं तब आप इस ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं, तो वो हम आपको जब लिंक बताएंगे तब बताएंगे वो वाला ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रहता है आपका सेव स्टाइल्स, इसके ड्रॉप डाउन पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सेव की स्टाइल्स मिलती हैं, आपको यहाँ से जो भी स्टाइल रखनी है आपके सेव में आप वो ले लेंगे, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन आपको इसमें मिलता है सेव फिल, आप इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको जिस भी टाइप का कलर फिल करना है इसके अंदर आप वो कलर ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको इसमें मिलता है नो फिल, अगर आप नो फिल कर देंगे तो वो उसके अंदर का फिल कलर जो था वो रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट रहता है आपका मोर फिल कलर, इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड कलर मिलते हैं और कस्टम कलर मिलते हैं, आपको यहाँ से जो भी कलर लेना है आप उस कलर को सेलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं तो आपके पास वो फिल आ जाएगा उसमें। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको इसमें मिलता है पिक्चर, आपको इस सेव के अंदर पिक्चर लेना हो तो आप क्या करेंगे, पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस टाइप से आ जाता है, अगर आपके सिस्टम में पहले से है पिक्चर तो आप यहाँ से ब्राउज ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, और अगर पहले से नहीं है तो आप यहाँ से ऑनलाइन ले सकते हैं, जो भी आपको फिर ऑनलाइन इमेज लेनी है। आप यहाँ से इमेज सर्च करेंगे और आपको इसमें से जो भी इमेज लेना हो आप उसको यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट किया आपने और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो सेफ में आपकी वो इमेज आ जाएगी, ठीक है। आप किसी भी टाइप का सेफ ले सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे सेफ्स हैं, आप जिसके अंदर भी लेना चाहते हैं इमेज वो सेफ फिल के द्वारा आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहता है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट कलर क्या होती है, ये थोड़े लाइट में आ रहा है और यहाँ पे डार्क में आ रहा है, अगर आप यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट करते हैं तो ये रेड में दे देगा आपको ग्रेडियंट कलर, ठीक है। लेकिन ग्रेडियंट कलर होती हैं जो आप मल्टी कलर्स बना सकते हैं उनके द्वारा, अगर आपको आपके अकॉर्डिंग कुछ मल्टी कलर्स लेना हो, मतलब एक से ज्यादा कलर मिक्स करके लेना हो, तो ग्रेडियंट पे आप माउस पॉइंटर लेकर जाते हैं तो आपको नीचे ऑप्शन मिलता है मोर ग्रेडियंट, इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ग्रेडियंट फिल वाला ऑप्शन रहता है, यहाँ से आप ग्रेडियंट स्टॉप जा रहे हैं, इनमें आपको कलर फिल आ रहा है, आप और ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं और उनको आप मूव भी कर सकते हैं माउस के क्लिक के द्वारा। अब आप इसमें कलर फिल करेंगे जो भी आपको कलर लेना है, ठीक। अब आपको ये इसकी डायरेक्शन चेंज करनी हो तो यहाँ पे डायरेक्शन का ऑप्शन है, इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, है डायरेक्शन,
यहाँ से आपको जिस भी डायरेक्शन में लेना हो आप यहाँ से ले सकते हैं।